Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. हाय फ्रेंड्स, दिस इज शीशा फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा एक टिप्स जिसको आप रात में दो बूंद लगाते हैं तो फ्रेंड्स आपका स्किन एकदम कांच जैसे यानी ग्लास स्किन आपको मिलेगा। हर कोई अभी ग्लास स्किन के पीछे भाग रहे हैं, हर कोई चाहते हैं अपना स्किन एकदम ग्लास की तरह दिखे, बहुत ज्यादा ग्लो करे और एकदम ही दाग धब्बा ना रहे, फेयर भी बने। तो ऐसा टिप्स आपको चाहिए तो फ्रेंड्स इस टिप्स को जरूर अच्छे से देखें और इसको जरूर ट्राई करें। इसको मैं बना के अपने फेस पर लगा के भी दिखाऊंगी इसको कैसे लगाना है आपको, और इसका इंस्टेंट क्या इफेक्ट आता है वो तो आप देख पाएंगे ही। और इसको आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 100% ग्लास स्किन मिल जाएगा। स्किन व्हाइटनिंग और ग्लास स्किन चाहिए तो फ्रेंड्स आज का टिप्स जरूर देखें। और ये बहुत ही इजी सा टिप्स है और इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए अलग से आपको टाइम नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं है कि फेस पैक है, ये फेस पैक नहीं है, एक सोल्यूशन मैं बोलूंगी या एक ऑयल मैं बोलूंगी, ऐसा टाइप्स का है जो हर कोई लगा सकता है। ऑल स्किन के लिए है, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए हर कोई इसको लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। पर उसको आगे देखने से पहले फ्रेंड्स आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए मेरे चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करने से फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख पाते हैं। और मैं इसके बाद भी फ्रेंड्स आपके लिए और भी रिसर्च करके और भी बेहतर बेहतर वीडियो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो मुझे एंथ्रू दिलाने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले हम लोग लेंगे विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल फ्रेंड्स आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो तो करता ही है और परमानेंट भी आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ आपके फेस में क्रिस्टल क्लियरनेस लाता है, आपके स्किन को ग्लास स्किन बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ई का बहुत सारा फायदा रहता है, बहुत दिन तक आपको जवान रखने में भी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी मेडिसिन की दुकान में मिल जाएगी, इवन 400 और इवन 600 के नाम बोल के ये आता है, आप कोई भी ले सकते हैं, ये इवन 400 है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके साथ और क्या क्या जोड़ना है देख लेते हैं। पहले मैं एक कांच का कटोरी ले रही हूँ, आप कोई भी बोतल में भी इसको बना के रख सकते हैं, पर कांच का बोतल हो ध्यान पे रखिए, कांच का बोतल में ये अच्छे से स्टोर रहता है। तो आपको लेना है इवन 400 या 600 कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल का लिक्विड। तो ऐसे इसका लिक्विड अंदर से निकाल लेना है और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपको जोड़ना है 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल फ्रेंड्स आपके स्किन को फेयर बनाता है और उसके साथ ही साथ ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ फ्रेंड्स ऑलिव ऑयल आपके स्किन में रिंकल को आने नहीं देता है, आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने में हेल्प करता है। तो आपको लेना है 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1/2 चम्मच हनी। हनी फ्रेंड्स एक नेचुरल मॉइस्चर है तो इसके लिए हम लोग हनी जोड़ेंगे 1/2 चम्मच। ये नेचुरल मॉइस्चर का काम करता है और आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन, फेयर स्किन और रिंकल फ्री स्किन दिलाने में हेल्प करता है। और इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है केसर। केसर फ्रेंड्स आपको लेना है 1 चुटकी। और इसके बाद फ्रेंड्स इसको ऐसे ही आपको 4-5 घंटे के लिए रख देना है। 4-5 घंटे बाद जब केसर का रंग इसमें आ जाएगा तब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसको कोई भी टाइट कांच के जार में आपको भर के रख देना है। मैं इसको अभी का भी मिक्स करके दिखा रही हूँ क्योंकि 4-5 घंटा तो मैं रख के नहीं दिखाऊंगी। और एक बात मैं बोलने को भूल गई थी, इसमें हम लोग केसर जोड़े हैं जो आपकी स्किन को नेचुरली फेयर बनाता है, स्किन टोन को लाइटन करके फेयर स्किन दिलाने में हेल्प करता है। इसके वजह से हम लोग इसमें केसर को जोड़े हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई करें हर रोज रात को बेड टाइम में जाने से पहले। तो मैं अभी का भी इसको लगा के दिखाऊंगी, पर आप 4-5 घंटे रखने के बाद ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फिर केसर का जो रंग है वो इस ऑयल में आ जाएगा तब तक। तो अभी तो मैं लाइव डेमो दिखा रही हूँ, इसके लिए फ्रेंड्स मैं 4-5 घंटा तो नहीं रख के दिखा पाऊंगी, तो आप 4-5 घंटा रखने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए
अभी मैं दिखा देती हूँ। और इस ऑयल को फ्रेंड्स आप स्टोर करके एक महीने के लिए रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बना ले और बना के आप एक महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे लेके आपको बेड टाइम में अपने फेस में लगा लेना है, थोड़ा सा लगाना है, इसी से ही फ्रेंड्स ये आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन दिला देता है, एकदम कांच की जैसा क्रिस्टल क्लियर स्किन मिलेगा आपको। देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ और कितना ग्लो कर रहा है, और इसको रात भर आप रख देते हैं तो परमानेंटली आपका स्किन फेयर और ग्लोइंग स्किन बन जाएगा, आपके स्किन एकदम ग्लास स्किन की तरह बन जाएगा। ना बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके पार्लर जाना नहीं पड़ेगा आपको, घर पे ही आप इसको बना के इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी से रिजल्ट दिलाता है और एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप अपने आंखों के चारों तरफ और होंठ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरे होंठ में और आंखों में लिपस्टिक और काजल है इसके लिए मैं नहीं लगा के दिखा रही हूँ। तो आप फुल फेस में लगा ले, हर रोज रात में बेड टाइम में इसको लगाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। तो अभी मैं नजदीक आकर आपको दिखाती हूँ ये इंस्टेंट कितना मेरे फेस से ग्लो लाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए मेरे फेस से कितना ग्लो आ रहा है, तो इंस्टेंट ये ग्लो लाता है। और इसको आपको रख देना है और उसके बाद सुबह उठ के धो लेते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको परमानेंटली भी ग्लोइंग स्किन दिलाता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले, और इस ऑयल को फ्रेंड्स आप अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं, यानी मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर मिलूंगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।